अगर तुमने तावीज अपने नाम से लिया तो वो लड़का अपनी माँ के लिए नहीं तुम्हारे लिए आएगा। फैसला आया है कि कुलसुम बिनते अब्दुल गनी का निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला से पढ़ाया जाए। मुझे शर्म आती है वो सब कुछ कहते हुए जो तुम्हें करते हुए नहीं आई। क्या करता रहा मैं? आहिस्ता बोलो हबीबुल्ला। मैं कुलसुम को तलाक क्यों दूं? इसलिए कि मैं निकाह करना चाहता हूँ इससे, प्यार करता हूँ इससे। कुलसुम यहाँ से कहीं चलो भागो भागो यहाँ से। क्यों रोका था उसने तुम्हें? ये क्या है निमो, तू पागल तो नहीं है? दादा की बरसी है किसी की शादी? पागल ऐसे ही तो मौके होते हैं जिनमें लड़कों की माएं अपने लिए बहुत तलाश करती हैं। अच्छा ये बता क्यों रोका था उसने तुम्हें? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? तू सच में ही पागल है, रो रही थी बिल्लू के लिए। अस्सलाम वालेकुम कनीज बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, तू कैसी है? सुना है बड़ी पढ़ाइयाँ चल रही हैं। क्या जरूरी था हमें ट्यूशन पे जाना? एग्जाम्स सर पे हैं माँ। अच्छा बाबरची खाने में चाची के साथ हाथ बटा, चल जा। जाती कभी? अम्मी पीर साहब से आप भी मिलेंगी ना? पता नहीं मुझे, मुझे ना किसी ने तावीज का कहा है। किसने? खाला मेहर नगार ने, उनको अपने बेटे के लिए चाहिए। पीर साहब सिर्फ खत्म के लिए आ रहे हैं, तावीज देने नहीं। वो बच्चों की तरह रो रही थी आज। कहा ना तावीज नहीं दे सकते आज वो। चल जा किचन में जाके हाथ बटा, उठ जा। आमीन सुम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलचू मुझे हारून भाई के साथ ना कोई प्रॉब्लम लगती है। मैंने आज तक उन्हें कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा।
औरतों से ज्यादा तो वो डब्बों की एक्सपायरी डेट्स को देखता है। उसे अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा बेचारे के साथ। माँ बाप तो उसने देखे ही नहीं और अब अपनी औलाद भी नहीं देख सकेगा। निमो, हम्म, कल हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज? वहां क्या करने जाएंगे? सब एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए हैं। कल हम कॉलेज के बहाने पीर साहब के घर जाएंगे। तू पागल हो गई क्या? मैं नहीं जाने वाली। वो तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी क्या? नहीं जाऊंगी मैं। तू चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी। चलेगी तो सही। बस भाई इधर एक ये ले आपका किराया, और आप ऐसा कीजिएगा कि यही इंतजार करें, वापसी भी आपके साथ जाएंगे। जी ठीक है, चले। मैं नहीं जा रही। निमो बकवास मत कर, तमाशा भी ना लगा, चल। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर हबीब साहब का घर यही है? हाँ यही घर। साईं सरकार, आपसे दो लड़कियां मिलने आई हैं। कौन है? आपके मुरीद हैं सही सरकार, वो रंग महल वाले अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी, उनकी बेटियां हैं सही सरकार। ठीक है। ये तूने अच्छा नहीं किया कसूर, अब समझ लो बात घर तक पहुंच गई। क्या जरूरत थी इतनी डिटेल बताने की? आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे भी डर लग रहा है, तूने देखा नहीं कैसे भिखारियों के साथ आराम से बात कर रहा था? तो अब कौन सा प्रोटोकॉल मिल गया तुम्हें? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे अब्बा का नाम सुनकर नंगे पांव दौड़ता चलाएगा? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब्बा कम से कम भी 10 बार तो बात करते होंगे पीर साहब से। पूरा बिजनेस ही पीर साहब के इशारों पर चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है, कौन सा माल निकालना है कौन सा नहीं, सब कुछ पीर साहब ही तो बताते। और वो हरून भाई, मुझे तो लगता है वो रोज ज़ियारत करने के लिए आते हैं पीर साहब की। ओह माय गॉड, अब अगर कहीं से आ गया तो चल चलना प्लीज। तुम ना कर निमो, ना कर, तमाशा मत लगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। आ जाए, आपको अंदर बुलाया है, आ जाए। अब अगर ऊपर से हारून भाई यू चलते हुए अंदर आ जाए और पीछे तेरा और मेरा अब्बा हो तो? तेरा क्यों रही है? तुम देख लेना ऐसा ही होगा। बकवास बंद कर। तो फिर इसका क्या मतलब है? खुद चला गया और उसने हमें यहाँ पे बिठा दिया। आ जाएंगे ना थोड़ी देर में। हाँ तेरे लिए समोसे लेने गए हैं ना, शायद ब्लैक चॉकलेट केक भी लेके आएंगे। पहली बार जो आएंगे तो उसके घर में पार्टी तो करेगा वो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो रंग महल गए अब्बा चाचा जी और हारून को बैठाकर यहाँ लाने के लिए, है ना? पता नहीं निमो,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला, लेकिन पता नहीं क्या होगा। निमो, निमो, क्या है? वो देख, कोई आ रहा है। कौन? वो देख ना सामने। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तुमने इन दोनों को गर्मी में बिठाया हुआ है, जाओ इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ पीने के लिए। जी बीबी जी। बैठ जाओ। बैठो। क्या नाम है? जी मेरा नाम कुलसुम है और ये निमरा मजीद। पढ़ती हो? जी। बीए कर रहे हैं हम दोनों। खैरियत से आना हुआ? जी वो पीर साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या रिक्वेस्ट? इसको तावीज चाहिए। किस चीज के लिए? वो एक्चुअली इसको तावीज अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चाहिए। नहीं, तावीज मुझे अपने लिए चाहिए। वो दरअसल हमारे मोहल्ले में खाला मेहर निगाह रहती हैं, टीचर है हमारी। उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया है, 7-8 साल हो गए हैं। बहुत मिन्नतें करती हैं वो उसकी, लेकिन वो वापस ही नहीं आता। कहाँ गया है? अपने बाप के पास? सारी स्टोरी सुना ना। मैं बताती हूँ, खाला ने लव मैरिज की अपने एक्स हस्बैंड से। 4-5 साल के बाद उसे किसी और से लव हो गया, खाला ने तलाक ले ली। इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ। 10-12 साल तक वो खाला के साथ रहा, फिर एक दिन अचानक वो अपने बाप के पास चला गया। अब खाला उसके लिए बहुत रोती है। बहुत रोती है, काफी ज्यादा। तो बच्चे, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें अपने लिए तावीज चाहिए? जी वो खाला को तावीजों पर यकीन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह तो तावीज का कोई असर ही नहीं होगा, इसलिए मैं चाह रही थी कि तावीज मैं अपने नाम से लूं। अगर तुमने तावीज अपने नाम से लिया तो वो लड़का अपनी माँ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आएगा। सोच लो। आ रही हूँ भाई। क्या है, तमीज नहीं है, दरवाजा किसी बुरी तरह से पीट रहे हैं। जी वे नजर कोई आवे ना, अखियां नु तो दिसदा। क्यों देख रहे भाई, शर्म नहीं आती है? घूर क्यों रहे? नजर कोई आवे ना, अखियां नु तो दिसदा। हेलो वे अखियां नु नजर कोई आवे ना। बिल्लू, बिल्लू,
खाने के लिए चाय बनानी है। तो बना ले, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुझे। तुम बाहर जाओ, मैं बना लूंगी। और अगर मैं ना जाऊं तो धक्के दे के निकाल दूंगी। धक्के दे तो वापस क्यों निकल? ये तैयारी की है तुमने टेस्ट की, दो दो तीन तीन गलतियां आ रही हैं। सही पाने से पता है प्यार करते हैं इनसे। नहीं, नहीं को मैं देख कर करती हूँ प्यार। नहीं, झूठ मत बोल, तो सच सच बता दे प्यार करती हूँ। बिल्लू मेरा हाथ छोड़, मुझे सच बता प्यार करती है ना मुझसे। मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़। टूट जाए मेरे साथ क्या किया? साथ टुकड़े 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 करते फिर साथ ले गई है। मुझे तेरी कसम जिंदगी बनी चाहिए। बिल्लू छोड़ दो इसे। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर। आप कोई ऐसा तावीज दे देना जिससे उसकी मोहब्बत खत्म हो जाए। मोहब्बत तो खुदा की देन है, उसे तावीज कहाँ रोक सकता है। और अगर मोहब्बत तावीजों से खत्म हो जाती है तो सब रिश्ते टूट जाते, कोई घर नहीं बचता। क्योंकि यहां लोग नफरत के तावीज ढूंढते हैं, आपस के रिश्ते खत्म करने के लिए अमल करवाते हैं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत है ना, तो उसे कोई तावीज रोक नहीं सकता, और ना ही वो किसी तावीज की वजह से तुमसे प्यार कर रहा है। बीबी साहब, अगर वो चला गया ना तो उसकी मां तो मर जाएगी, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं सब जानती हूँ। पहले दिन से जब तुम तावीज लेने आई थी, उसके बाद जब तुम शुक्रिया अदा करने आई, और आज जब तुम परेशान मेरे सामने खड़ी थी। मोहब्बत इस खुशबू की तरह है जो लगते ही फैल जाती है। लेकिन बीबी साहिबा, हमारा रिश्ता भी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं होता। हमारे घर वाले उसकी माँ से बहुत नफरत करते हैं, ट्यूशन भी नहीं पढ़ने जाने देते उसके पास। उसकी माँ मेरी माँ जैसी नहीं है ना, वो दिल में दस भी पड़ती है। छुपकर खैरातें करती हैं, और किसी बुजुर्ग से दुआ करवाने के बजाय खुद अपने खुदा के आगे हाथ फैलाती है। और सबसे सबसे बड़ी खराबी तो यह है कि वो अपने शौहर से तलाक ले चुकी है। ये लो, ये मेरी तरफ से रख लो। लेकिन
भी साहबा, ये तो हम आपके लिए लाए थे। और मैं तुम्हें दे रही हूँ। आपको शायद पसंद नहीं आया। नहीं, मैं सिर्फ वही चीज गिफ्ट करती हूँ जो मुझे खुद के लिए पसंद है। तो हम जाएं बीबी साहबा? हाँ, तुम लोग जाओ, मैं जरा जाके हांडी चेक करती हूँ। निमो, बेबी साहिबा ने तो कुछ भी नहीं दिया। एक परफ्यूम का डब्बा दे दिया ना, और क्या चाहिए? चलो चलो। ₹150 के फायदे के लिए करोड़ों की बिजनेस डील तुम्हारे कहने पे रोकने वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये उनकी बेटी का रिश्ता है, ऐसे मामलात में बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, किसी बाहर के को कबूल नहीं करते। क्या बात कर रहे हो हबीबुल्ला माय डार्लिंग, ये लोग हर कम्युनिटी, हर मजहब, हर फिरके के लोगों के साथ बिजनेस हैंडशेक्स करते, पार्टीज करते हैं। कारोबार नहीं है ये, कारोबार नहीं है। रिश्ते के मामलात में भी सिर्फ इस्तखारा की हद तक ये हमारी दखल अंदाजी कबूल करता है। तुरंत इस्तखारा उसी को करना चाहिए जैसे मसला हो, तो फिर वो तुम्हारी रहनुमाई क्यों मांग रहे हैं? इस पे उनका एतकाद है। इस एतकाद को इस्तेमाल करो और इस्तखारे के जरिए रिश्ता करवा दो। आप जानती हैं क्या कह रही हैं? गलत बयानी हो गई है। इससे ज्यादा गलत बयानी तो नहीं है ना कि जिसकी शादी हो रही है उसकी रजा ही शामिल नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे मजहब में औरत से पूछने की शर्त रखी ना जाती। अरे पर्चियों पर नाम लिख के नाम निकलवा लिया जाता शादी के लिए। देखिए यहाँ ऐसे ही होता है, लड़कियां कभी भी किसी से भी कहीं भी मुतासिर हो सकते हैं और शादी कर लेती। और फिर सारी जिंदगी मुतासिर रहती है। रहती किसी के साथ है, सोचती किसी के बारे में। ये आप इस सारे मामले को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? क्योंकि मैं उस लड़की से वादा कर चुकी हूं कि उसकी शादी उसी से होगी जिससे वो प्यार करती है। देखो अब्दुल गनी, हमारे लिए तुम्हारा खानदान दूसरों से ज्यादा अहमियत रखता है। जी बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बेटी उम्मे कुलसुम के लिए मुसलसल 3 रातें हमने इस्तखारा किया है। बहुत अजीब सा मंजर नजर आया हमें, बहुत अजीब सा। जिस लड़के का नाम तुम्हारी तरफ से आया उस लड़के का तो हमें नामो निशान नजर नहीं आया। अलबत्ता एक गैबी ताकत हर बार हमारा हाथ पकड़कर तुम्हारे हमसाए में एक दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ा कर देती थी और कहती थी कि उम्मे कुलसूम का नसीब यहीं लिखा है। हमने अपने मुवक्किलीन की ड्यूटी लगाई, उन्हें रवाना किया कि जाएं जाकर पता करके आए कि ये किसका घर है। तो पता चला कि ये एक खातून महर निगार
और उसका बेटा बिलाल उनका घर है। जी सर। हमने हारून को भेजकर उन दोनों माँ बेटे को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की। मुझे तो वो लड़का इस रिश्ते के लिए निहायत मौजूद लगा। आज सुबह उस लड़के ने हमारे हाथ पे बैत कर ली। हमने तो उसको तुम्हारी सफ में बिठा दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि तुम भी उसको अपने बराबर बिठा लो। अल्लाह पाक तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। ऊपर वाले के फैसलों के आगे बोलना नहीं करते, सर झुका लेते हैं। जल्दी आ गए आप, खैरियत तो है? मुर्शिद साईं के हाजिरी देने गया था। हाँ, वो क्या बताया उन्होंने, इस्तखारा किया? क्या जवाब आया? अरे दम तो लो, एकदम तुमने पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश शुरू कर दी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि दोस्त दुश्मन सबकी नजर लगी हुई है इस रिश्ते पे। जिस रिश्ते पर इतनी नजरें लगी हों उसे किसी ना किसी की नजर भी तो लग जाती है ना। क्या मतलब? क्या उन्होंने कहा है कि इनकार कर दो लड़के को? ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा जी? मेरा मतलब है कि इतना अच्छा रिश्ता है तो फिर कैसे अब्बा जी? अब्बा जी बहुत अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर अब्बा जी, तो फिर क्या कमी रह गई? अरे सब सितारों की बातें होती हैं, सितारे आपस में ना मिल रहे हो ना तो सब खूबियां बेकार। अब्बा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्तखारे में इशारा कोई और हो और फिर मुर्शिद साहब। क्या हो गया तुझे, पागल हो गई है? मुर्शिद साहब के बारे में क्या बकवास कर रही है? चल जा चाय बना के ला। अच्छा जी, कोई तो वजह बताई होगी उन्होंने। अंदर चल के बात करते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरी होगी हमेशा हमेशा के लिए। वो नचड़ी, बदतमीज, चुगलखोर, कमीनी, जो कल तक मुझे अपना खिलौना तक नहीं देती थी, आज पूरी की पूरी मेरी है। जो कल तक मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी, अब जिंदगी भर मेरे साथ होगी ना। कुछ कुछ तो रो कर रही है, ये खुशी के आंसू हैं या कुछ? मुझे बता बात क्या। अम्मा को सब पता चल गया पहले तो होने दे, अब हमारी बात पक्की हो गई है और कोई नहीं तोड़ सकता इसको। मुझे मार देंगी बिल्लू। अब तू मेरी अमानत है, किसी ने तेरी तरफ देखा भी ना मैं घुस के फट जाऊंगा। तुझे पता है ना अम्मा ने क्या शरारत रखी है रिश्ते के लिए? जानता हूं। तो तब क्या हम सारी जिंदगी वहीं पे रहेंगे? जब मैं तेरी खातिर तेरे मुर्शिद साईं के पैर पड़ सकता हूँ, तेरे एक दफा बोलने पर ना मैं किसी का भी हाथ छुड़ाकर भाग सकता हूँ। और मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं घुस के फट जाऊंगा जहां तू बोलेगी। सुन बिल्लू, इससे पहले कि तू कहीं घुस के फटे मैं तुझे चीर के रख दूंगी। जानता है ना मुझे, अब सारी जिंदगी तू पीर मुर्शिद साईं के पांव धोएगा और ये बेगैरत बीबी साहिबा की खिदमत करेगी।
आप यहाँ क्यों आई? कर ली ना तुमने अपनी जिद पूरी। अम्मी अगर आप मुझे बेइज्जत करने आई हैं, तो चले बाहर। और जो दिल चाह करे मेरे साथ, पर यहाँ कुछ मत कहिएगा मुझे, वरना यहाँ के मुरीदों को पता चल जाएगा कि मैं अपने एतकाद की वजह से नहीं, आपके धुतकारने की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ सबको ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा एतकाद पक्का है, तुम्हारी अकीदत सच्ची। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। और तायरा, ये तुम्हारी बेटी की खुशी, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। पीरू चल जा, जाके अंदर खेल, भाग यहां से। ठहरो बेटा ठहरो, इधर आओ। ये मैं तुम्हारे लिए अलग से चॉकलेट लाई। अच्छा, हेलो ताहिरा, खुशी की मुबारकबादों को ठुकराया नहीं करते। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूं? तुमने भी तो केक भेजा था। वो तो पैगाम भेजा था मैंने ये बताने के लिए कि तुम्हारा इस रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मेरा ताहिरा, बिलाल की वजह से नहीं, कुलसुम की वजह से। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है हमारा, रूहानी माँ हूं मैं इसकी। वो तो नजर आ रहा है मुझे, सारे करतूत अपने जैसे डाल दिए उसमें, अपनी रूह फूंक दी, बिल्कुल तुम जैसी हो गई है। नहीं तायरा, ना तुम्हारा खून इसका कुछ बिगाड़ सका और ना ही मेरी रूह इस तक पहुंच सकी। ये तो बहुत सीधी सादी, सच्ची और खरी लड़की है। सोना तो इसी बात का है कि ये मनहूस बहुत सीधी सादी है, तभी तो बिल्लू जैसी गलाजत की नजर पड़ गई और मुर्शद साहब के ख्वाब में आने लगा। वो इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से हुआ है। बकौल तुम्हारे मैं एक झूठी मकार बेकरतूत और दो टके की औरत हूं, फिर भला मेरी क्या औकात कि मेरे बहलावे में आकर किसी की मोहब्बत सच्चाई के उस मकाम तक पहुंच जाए कि वो किसी बुजुर्ग हस्ती के ख्वाबों में कदम रखते। ऐसा भला कैसे हो सकता है? छोटी मोहब्बतें कभी सच्चाई के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती, वरना मैं नाकाम ना मुराद अकेली ना होती। अगर इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का एहतराम करो। इसीलिए तो चाहती हूं कि तेरे घर की गलाजत से दूर रहे। वो इतना ही पाकीजा रिश्ता है तो इसको वही रहना चाहिए जहां इसके ख्वाब देखे जाते हैं। बीबी साहिबा ने सारी शरायत बता दी है मुझे, इसीलिए तो वो मेरे घर की गलाजत को शर्फ बख्शने के लिए मुर्शद साईं के हमरा मेरे घर आएंगी। खैर बरकत की महफिल रखी है मैंने, उसी की दावत देने आई हूँ मैं यहाँ। और तुम दोनों जल्दी आ जाना, मुझे तो इसका कोई तजुर्बा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मुर्शद साई की खिदमत में कोई कमी रह जाए। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां।
मुर्शद साईं, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने दस्ते दुआ को वसीला बनाकर हमारा ये नाचीज सा नजराना बारगाह खुदाबंदी और दरगाह रसालत तक पहुँचा दें। एक गुजारिश मेरी भी है मुर्शिद साईं, अगर आप कबूल करें तो। वैसे तो हम दुनात की इस खूबसूरत महफिल में बहुत से नजराने पेश किए जाएंगे, मगर मैं सबसे पहले आपका पसंदीदा कलाम आपके गोश गुजार करवाना चाहती हूँ। कुलसुम, पढ़ो ना। मैंने कहा ना, पढ़ो। अलिफ ला चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मल बिच ये तुमने क्या किया अभी बोला? उस लड़के को वापस भेज दिया उसके घर? इतने जल्दी ये फैसला करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उसकी मां तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी रो रही थी कि मेरे बेटे को लौटा दो? नहीं, मैंने रियलाइज किया कि उसकी मां अकेली घर में पड़ी है, तो वो यहां क्या कर रहा है? क्या रियलाइज कर लिया तुमने एक दिन में? उसकी मां 10-12 साल से अकेले रह रही है, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब वो मजबूरी में रह रही थी, अब क्यों रहे जब उसका बेटा वापस आ गया? उसका बेटा अपनी मां के लिए नहीं, उस लड़की के लिए वापस आया है। ये आप कह रही हैं, सब जानते हुए ऐसा कह रही हैं? आप भी, आपको भी मालूम है कि वो अपनी सुतेली मां से तंग होकर वापस आया है, ना कि उस तावीज की वजह से जो आपने उस लड़की को दिया था झूठ मूठ में लिखकर उसका दिल रखने के लिए। और वो जबान जो मैंने उस लड़की की मां को दी, उसकी कोई हैसियत नहीं? फैसला किया है आपने बीबी, उसकी मां को सामने रख के? हबीबुल्ला, मैंने उस वक्त भी उसकी मां से बात की थी, उसने उसको डिसोन किया। ये दोनों खानदान हमारे मुरीद हैं, हमें दोनों का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? ये कोई लंगर की रोटी नहीं जिसे आधा आधा करके बांट दिया तुमने दो मुरीदों के बीच, और वो भी मुझसे पूछे बगैर? कुछ छोटे मोटे फैसले मुझे भी करने दिया करें बीबी, आखिर को मैंने भी इस गति की बैठ ली है।
तुम सारे फैसले खुद करो। पीर जी, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या होगा? मगर ये क्या कि वैसे तो दुनिया भर के मसाइल तुम मेरी गोद में भर देते हो, और जिस मसले का हल मैं खुद निकाल रही थी, तुमने उसके बारे में फैसला कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई बीवी, जो इतना नाराज हो रही? सवाल छोटी बड़ी बात का नहीं, मेरी जबान का है। जी सही, अस्सलाम वालेकुम सही। सही आपकी दुआ है, आपका साया है सही। सही ठीक चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। बंदा पहुंच गया है सही जी, मैंने देख लिया, उसको तोड़ लिया। आसान सा मसला है सही, हल हो जाएगा, आपका गुलाम संभाल लेगा सही। लड़की वाले शादी की दरख्वास्त लेकर आए थे मेरे पास, वो शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। शादी? गुस्ताखी माफ सही, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप बादशाह हैं सही, आपके इख्तियार में है कौन सी घड़ी, कौन सा दिन, किसके निकाह के लिए मुनासिब है, फैसला तो आप करते हैं ना सही। सही आप चाहें तो किसी की शादी को बरसों रुकवा सकते हैं, किसी की मजाल है कोई आपसे पूछे? और इस शादी में तो मालूम है मुझे, लेकिन मसला कुछ और है। जी सही। वली, मुझे पता चला है कि लड़की की माँ उसको तंग करने लगी है, बुरा सलूक कर रही है उसके साथ। सुभान अल्लाह सही, आपका इश्क सच्चा है सही, मंजिल आपके कदमों में होगी इंशाल्लाह। किसी मुरीद की तरह ये खोखली तसलियां मत दो मुझे वली। मेरी क्या मजाल सही, में गुलाम आपका ताबेदार, मुझे तो सही इस दरगाह के तकद्दस की कसम सही, मैं तो सलाम पेश कर रहा था आपके जज्बाए मोहब्बत को। गुस्ताखी माफ सही, अर्ज ये सही कि उसकी माँ की सख्तियां हमारे मकसद के लिए बेहतर है, उसकी माँ उसे जितनी तकलीफ देगी ना सही, हमारे लिए उतनी आसानी हो जाएगी। सही मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप गुलाम को थोड़ा सा वक्त दे दें सोचने के लिए, तो मैं दोबारा जरा तोल मोल करके आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। शादी की तारीख तो तय भाई, वो तो नहीं बदली जा सकती। ठीक कह रहा है तारा, तारीख तो क्या, टाइम भी नहीं बदल सकते। जो टाइम वहां से आया उसी टाइम पर निकाह पढ़वाया गया हमारे यहाँ बाप दादा के दौर से। भवानी जान, हिसाब किताब करते हैं, सितारों की चाल देखते हैं, हाथों की लकीरें, खुशबख्ती देखते हैं, तब कहीं जाके मुर्शिद सही सही तारीख और वक्त तय करते हैं। हैं ये और लोगों की तरह थोड़ी जो मैरिज हॉल की तारीख और छुट्टियां और मौसम और तैयारियां देख के अपनी तारीखें रखते हैं और फिर किसी मनहूस घड़ी पे जाके ना निकाह पढ़ा देते हैं। हैं तो मैंने कौन सा मना किया है, पढ़वा लो निकाह, मगर इतने वक्त में सिर्फ निकाह ही हो सकता है। तुमने करना क्या है, तुम चाहती क्या हो? मैंने क्या करना है, मेरे चाहने से क्या होता है? मेरे लिए तो ये शादी और मौत एक बराबर है,
ऊपर से जो हुक्म आया उसकी बात कर रही हूँ। इतने वक्त में धूम धड़का भी चाहती हैं। अरे जितना हो सका उतना कर लेंगे। भाई साहब आप क्यों फिक्र करते हैं, आप शादी की सारी तैयारियां मुझ पे और हारून पे छोड़ दें। देखिए ना हाथ में पैसे होने चाहिए, आजकल तो बाजारों में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। ऐसा करते हैं कि बस आज रात में बैठ के मेहमानों की लिस्ट बना लेते हैं, कल परसों में कार्ड छप के आ जाएंगे। रही बात कपड़े जेवर और शॉपिंग की तो वो मैं कर लूँगी और कैटरिंग और बाकी इंतजाम हारून कर लेगा। ये सारी धूमधाम और सारी तैयारी तुम निम्मो के लिए क्यों नहीं संभाल लेती? कुलसुम के लिए जो करना होगा मैं कर लूँगी, मत फिक्र करो। तो आप यूँ कहें ना भाभी आप करना नहीं चाहती हैं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है राबिया, 10 पैसे भी लगाओ और बेइज्जती भी हो, क्या फायदा? भाभी वैसे 10-12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हाँ और तो क्या, अब हम लड़ झगड़ के गुजारेंगे वक्त सारा। मेरी मानो खनी सादगी से निकाह पढ़वाओ, झमगट्टा लगाने की क्या जरूरत है? महफिल में 100 लोग तुमसे सवाल करेंगे और 50 औरतें मुझसे पूछेंगी, क्या फायदा? मुर्शिद साईं के पास जाओ और आराम से बात करो कि जितना पैसा इस शादी में जाया करना है दरगाह के लंगर में दे दें, कम अज कम सवाब तो होगा। मुझे क्या देख रहे हैं भाई साहब, आजकल इस घर के अंदर तेरा और मेरा शुरू हो चुका है। आपकी बेटी है जो आपका दिल चाहे करे। मेरी समझ में नहीं आ रहा हमने मुर्शिद साईं को समझ क्या रखा है, मुसलसल उनकी शान में गुस्ताखी किए जा रहे हैं, नाउज़ुबिल्ला किसी ठेले वाले की तरह जो है ना हर दूसरे दिन भाव ताव तय करने शुरू कर देते हैं उनके साथ। अच्छा भाई ठीक है, तुम और राबिया लगा लो मेला, कर लो अपने दिल के अरमान पूरे। खलीफा साईं आपने बुलाया मुझे। आओ भाई रोशन पेशानी वाले, बड़ी सिफारिश है यार तुम्हारी, बहुत बुलंद मकाम है माशाल्लाह पीर साहब की नजरों में। जाओ ऐश करो, वो मेहमान खाने वाला बंगला अता कर दिया उन्होंने तुम्हारे रहाइश के लिए, जाकर देख लो उसे, किसी चीज की जरूरत हो तो ठीक करवा लो उसे। बहुत शुक्रिया खलीफा साईं, मुझे यकीन है इस इनायत में आपकी सिफारिश भी होगी। अरे हम किस काबिल, सिफारिश उनकी जिनकी तुम दिन रात खिदमत करते हो, बस उनकी खिदमत किए जाओ, मकाम बुलंद होते जाएंगे तुम्हारे, दर्जात बुलंद होते जाएंगे। शादी की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है। बड़ी रौनक लगेगी, जाकर बंगले की तज़ीन व आराइश करवा लो, दुल्हन आने वाली है। खलीफा साईं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कब तक जा सकता हूँ? हर आने वाले को जाना है। तुम्हें तो भिजवा देंगे, भिजवा देंगे जब वक्त आएगा। सही हो, गुलाम ने अपना काम कर दिया। सही लड़का रास्ते से भटक गया,
अपनी शादी पर नहीं पहुंच पाएगा। आप हुक्म करें तो गुलाम आपका निकाह पढ़ाने के लिए पहुंच जाएगा। सही, ठीक है ठीक है। जिस लड़के से आपकी निस्बत तय हुई है उसके दर्जात रोज बरोज बुलंद हुए जा रहे हैं। सुभान, रूहानियत की उन मंजिलों को छू रहा है जहां तक पहुंचने के लिए लोग सारी जिंदगी चिल्ला बंद रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब पीर साईं की खुसूसी नजर और कर्म की बदौलत वो एक ऐसे हल्का नूर में दाखिल हो चुका है जहां से फिलहाल उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन आप वो भूल रहे हैं। अरे आपके लिए तो बड़े मुसर्रत की बात है, क्या आपके कदम इतने मुबारक हैं कि उस लड़के की काया ही पलट गई। क्यों हारमिया? हाँ ये तो बहुत मुसर्रत की बात है और बहुत हौसले और अकीदत का मुजाहरा करने का वक्त है कुलसुम। बेशक। अरे बीबी बिलहाल अब कोई आम आदमी नहीं रहा, उसे पीर साहब ने एक वजीफा पढ़ने के लिए दिया और वो तब सुलाई से बाहर निकल सका और ना जाने वो कब इस कैफियत से बाहर निकले। सो रूहानी मामलात के पेशे नजर इस बात का कवि इम्कान है कि आपका निकाह पीर हबीबुल्लाह साहब के साथ पढ़ा दिया जाए और जब तक बिलाल उस दायरे से बाहर नहीं निकलता आप अमानतन पीर साहब के निकाह में रहें। क्यों हारून मियां, कितनी सादत की बात है, क्या क्या दर्जा है। ऐसा निकाह के कलमात शुरू करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رك جاء خليفة نکاح میں پڑھاؤں گا سہی آپ ہاں نکاح میں پڑھاؤں گا खादिम मौजूद है, आप अपना निकाह कैसे। सही, कुछ बातें मख्फी होती हैं, कुछ बातनी मामलात होते हैं जो आप सब लोगों को दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हमें नजर आ रहे। इस निकाह से मुतालिक फैसले के लिए हमारी निगाह दरगाह पे लगी हुई थी और इसका फैसला वहीं से मुझे इल्हाम की सूरत में आया है। जानना चाहोगे क्या फैसला आया है? क्या तुम सबको मुर्शिद साईं का फैसला मंजूर होगा? जी जी साईं, आप हुक्म करें साईं। मुर्शिद साईं, हमें तो बिना जाने आपका हर फैसला दिलो जान से कबूल होता है। अब्दुल गनी जी, हुक्म साईं। फैसला आया है कि कुलसुम बिनते अब्दुल गनी का निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला से पढ़ाया जाए। कुलसुम बिनते अब्दुल गनी, तुम्हारा निकाह हारून वल्द अब्दुल्ला के साथ बाएवज 1,00,000 रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है?
बीवी कुलसुम कुछ बोले ना, कुछ पूछ रहे हैं। कुलसुम बेटा बोलो, तुम्हारी चुप गुस्ताखी के जुमरे में आ रही है, बोलो। अब्दुल गनी बोल बेटा बोल। कुछ मामलात में लड़कियों की खामोशी रजामंदी समझी जाती है। हारून वल्द अब्दुल्ला, क्या तुम्हें कुलसुम बिनते अब्दुल गनी के साथ बेवज 1,00,000 रुपए हक महर निकाह कबूल है? कबूल है? जो हुक्म मुर्शी सही, कबूल है। तुम्हारे बेटे ने नहीं आना था तो तुम क्यों आई मेरा तमाशा देखने के लिए? आप हौसला रखें ताहिरा, मुर्शद सही वहीं है, वो यकीनन हमसे बेहतर कोई हल तलाश कर रहे होंगे। इसका क्या हल निकाल रहे होंगे, तभी उसका गायबाना निकाह पढ़वा रहे। मैंने कहा ना, आप इत्मीनान रखें, सूरत हाल वाजे हो जाएगी। इसी बात का डर था मुझे, मुझे डर था कि वो लड़का भाग जाएगा बीच में से, वही हुआ। मैं निगार जो कह रही है वही सूरतों की, यकीनन वो किसी काम की वजह से वहां रुक गया होगा। नहीं बीबी साहिबा, नहीं जानती, मैं जानती हूँ, उसके बाप ने भी यही किया, उसने भी यही किया। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले, इस निगाह को रोक दे खुदा के लिए। मैंने कहा ना तहम्मुल से, मैं आपके पांव पड़ती हूँ बीबी साहिबा, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले। मुझ में हूँ, खुद को संभालो ताहिरा। अच्छा मैं जाके बात करती हूँ मुर्शद सही से, हाँ पर्दा करवाओ। बाहर तो निकाह की दुआ हो रही है। इधर उधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ जवाब दे, अंदर क्या हुआ है? जो मुर्शिद सिंह की रजा तीन पास वही हुआ। कैसे हुआ, जब एक बंदा आया ही नहीं तो क्या हुआ है, कैसे निकाह हुआ? वो लड़का नहीं आया, वो मसलियत जो है ना वानियत, वो मुर्शिद सिंह जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बकवास कर रहा है, कैसा निकाह है? तुम लोग तो दुआएं भी कर रहे थे। मानजन मैंने सिर्फ वो किया जो मुर्शिद सिंह ने कहा, मैंने तो बस उनके उनकी रजा के आगे सर झुकाया बस। बस मत कर पापा, तुम तो हमेशा वही किया है जो उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे बताओ वो लड़का कहाँ है, वो कब आएगा, क्या कहा है उन्होंने? वो लड़का तो नहीं आएगा, वो तो चला गया, वो तो बीच में से निकल गया। मानजन क्या मतलब बीच से निकल गया? मानजन मेरा कोई कसूर नहीं है, कदम ले ले, मुर्शिद सिंह ने जो कहा है ना मैं सिर्फ वही किया, मुझे कुछ नहीं पता। बोल ना ये सब क्या हुआ है, बोल तो सही, कुछ तो बोल। क्या तेरा निकाह हारून भाई के साथ हुआ है? बात कर यार, कल तुम मुझे बता। चुप मत रहे, चल हो गया। ये क्या कह रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है, क्या हुआ है बताओ, ये क्या कह रहा है? तू कह रहा है ठीक कह रहा है, तू कैसे मान गई, तूने क्यों नहीं इनकार किया इस बेगैरत के लिए, तू कैसे गई? कुमारी जान इसको मत माने, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। बात मत कर कमीने, अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मेरी बेटी है ये। वो यार हमने सिर्फ
मुर्शिद सही का हुक्म माना है, कोई गुनाह नहीं किया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। क्या है इसे, क्यों मार रही हैं आप? इसने क्या किया है? इसकी हालत तो देखिए आप। कंचू कुछ तो बोल, कंचू मर जाए, मर जाए, मर जाए, खुदा करे अभी मर जाए। कुछ तो बोल कंचू, देख तो सही क्या हो रहा है यहाँ पे। कंचू कुछ तो बोल। तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल कंचू, कंचू कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तो चुप क्यों है? कुछ बोल, बोल कंचू, बोल। अम्मी क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे आसमान टूट पड़ा है, कयामत आ गई है तुझ पर। तू कहती है क्या हुआ है? कुत्ते कमीने बदबख्त, क्या पिलाया मेरी बेटी को, क्या घोल के पिलाया, उसे कुछ पता नहीं है। मुझे जान, खुदा की कसम दे रहे, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे तुम मर जाता, जान दे देता, लेकिन हाँ नहीं करता। क्यों किया तूने? अभी तलाक दे इसे, अभी तलाक दे। मैं इसे बेवा कर दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। मारो 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 मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। अरे भाई को क्यों मार रही है, क्यों मार रहे हो? तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है, तुझे कुछ भी नहीं पता। तेरा निकाह हारून भाई के साथ हो गया है कलचू, तुझे नहीं पता। इश्क ते आ सलाम मुर्शिद साहब। अखियां नजर कोई आवे ना, इस वक्त मैं तुम्हारा मुर्शिद नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं। अखियां नजर कोई आवे ना, अखियां तू दिसदा, तुम्हारे गमखार की हैसियत से आया हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। देखो मेरी आंखों में, क्या नजर आया तुम्हें मेरी आंखों में? देखो, मेरी आंखों में भी वही महरूमी है जो तुम्हारी आंखों में। वही उदासी, वही दुख, वही सब कुछ जो तुम्हारे साथ होगा, सब दिखाई देगा तुम्हें मेरी आंखों में, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूं इसी कैफियत से। तुमने ये किया कैसे, किया कैसे तुमने? ये एक ही लकीर को बार बार क्यों पीटती हो? तो क्या करूं, क्या करूं? तुम्हारा दिल बहलाऊं, तुम्हें लोरी सुनाऊं, खुश करूं, ताकि तुम्हारा हमसे सो जाओ। अब यही लकीर है जो हमें पीटती है जिंदगी भर। बस अब दुआ कर उसके लिए। किसी दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। क्या होगा, क्या खुशी मिलेगी उसे? हारून के नाम के निकाह का धब्बा तो उसके माथे पे लग गया ना, कितनी भी दुआएं कर लो, ये धब्बा उसके माथे से नहीं मिटने वाला। हमें अब डरना चाहिए, कल चूकी आ से डरना चाहिए, उसकी बद्दुआ से डरना चाहिए। अब तुझे उसकी आह और बद्दुआ से डर लगता है, और जो पहले करती रही तो वो नजर नहीं आता तुम्हें? अरे तुम उसका चढ़ावा तो चढ़ावे की तरह पहले ही चढ़ा चुकी थी दरगाह पर, अब हारून के साथ जाए बिलाल के साथ, अरे चढ़ावा तो चढ़ गया ना तुम्हारा। बस अब यू समझ,
जिस दरगाह पे वो रहने के लिए जा रही थी वहां उसका मजार बन गया है। मेरी बच्ची। अरे वो दफन हो गई है वहां। दफन हो गई मेरी बच्ची, मेरी कलचू, मेरी कलचू दफन हो गई, दफन हो गई मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी भूल सी बच्ची। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें किसी और का नहीं, अगर कसूर है तो वो तुम्हारा है। तुमने कमजोर से मोहब्बत की जो मोहब्बत करने के काबिल नहीं था। उसने दरगाह जाकर जो हरकतें की हैं वो निहायत शर्मनाक है। मैंने उसकी आंखों में उसका किरदार पढ़ लिया था, तभी मैंने उसको दरगाह भेजा आजमाइश के लिए। और उस कमजर्फ ने वही सब कुछ किया जिसका मुझे इल्हाम हुआ था। नशे की लत में पड़ गया, इस हद तक गुमराह हो गया कि अपने ही निकाह के दिन नशे में धुत पड़ा हुआ था। मैंने यही मुनासिब समझा कि तुम्हें इस गलाजत में गिरने से बचा लूं। अब तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी हारून के साथ क्यों बांध दी। मैं चाहता तो ये रिश्ता खत्म करके वापस लौट आता, मगर अगले ही दिन तुम किसी और के साथ बांध दी जाती। हमारे यहां औरतें जब दूसरी बार दुल्हन बनती हैं तो उन्हें जानवर नुमा इंसान के साथ बांध दिया जाता है। मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी मकरूह जानवर के साथ बंधने से बेहतर है तुम्हें बेजरर दुम्बे के साथ बांध दिया जाए। मोहब्बत में जब इंसान बिखरता है तो वो अपने साथ रहना चाहता है, अपने सिवा वो किसी और को नहीं मिलना चाहता। अब तुम सुकून से अपने साथ रहो। तुम्हारे सुकून में खलल डालने वाला यहां कोई नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा मुर्शिद नहीं दोस्तों। तन्हाई से घबरा जाओ तो मेरे पास चले आना। तीर ने ना दे रोक वे माही असी वार चलने नहीं जोगे, असी वार चलने नहीं जोगे, असी पहली जल कमरो किते खबर कलने भाई।
इम्मो कहाँ थे तुम? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ थे तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुर्शिद भाई। खता तो हमसे हुई है जो तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया हमने। मुर्शिद भाई मैंने जान के नहीं किया ये किसी की साजिश है, मुझे कोई फंसाना चाहता है। मुर्शिद भाई मैंने जान के नहीं किया ये। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो कि किसी थाने में खड़े हो? पाकबाज मुरीदों की पाकीज़ा इज्जत तुम्हारी दस्तरस से दूर कर दी गई है। मुर्शिद सही आप कुछ भी करें मगर मुझे कलसूम से महरूम मत करें। हमने नहीं किया, तुमने खुद महरूम कर दिया उसे। कलसूम का निकाह हारून से बढ़ा दिया गया है, अब उसका नाम भी तुम्हारी जुबान पे आना जायज नहीं। बेशक मुर्शिद साईं, आप मेरा मुंह खड़ा कराकर गलियों में फिराएं, लेकिन मुझे कलचू से दूर बस। अब वो कलचू नहीं है मुर्शिद साईं, मगर मैं कलसूम जोजा हारून अब्दुल्ला है। मगर मुर्शिद साईं बस बस गुस्ताख, मैं मर जाऊंगा मुर्शिद साईं इसके। आवाज बुलंद मत करना वरना बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मसलहतन तुम्हारे साथ नरमी कर रहा हूं, सख्ती भी मत उकसाओ मुझे, वरना कल सुन तो क्या अपना नाम भी भूल जाओगे। मैं भीख मांगता हूँ मुर्शिद साईं आपसे, मुर्शिद साईं मैं भीख मांगता हूँ, मुर्शिद साईं मुर्शिद साईं मुर्शिद साईं मुझे एक मौका देते मुर्शिद साईं, मुर्शिद साईं हारून से बात करनी है, हारून एक दफा बात करनी है, मुझे बात मुर्शिद साईं मुझे बात करनी है मुर्शिद साईं से, मुझे हारून। दरगाह पे किससे दुश्मनी थी तुम्हारी? हारून से। अरे तुम वहीं अटके हुए हो, मैं दरगाह की बात कर रहा हूं। दरगाह पे मेरा कोई दुश्मन नहीं था, ये चीज किसी ने भी किया ना हारून की दोस्ती में किया है। वो मौलू भी हो सकता है, बांजो भी, मिठल भी और आप भी। मैं? दुश्मन वो नहीं है जिसने मुझे भांग पिलाई थी, दुश्मन वो है जिसने मुझ पर इल्जाम लगाए थे। तो फिर वो कौन है जो मेरे खिलाफ बीबी साहब के कान भर रहा है? मेरे साथ ये सब कुछ हारून ने किया और आप छुपा रहे हैं। अरे मैं तो खुद इतने साल से अपना मुंह धो रहा हूं, यहां किसका मुंह धोने आए हैं आप और किसकी बात करने आए हैं आप मुझसे? देखो मुझे मुर्शिद साईं ने भेजा है कि मैं तुम्हें आराम से समझाऊं। तो आप मुर्शिद साईं से मेरी बात क्यों नहीं करते? क्या बात कर? कि जो कुछ भी उन्होंने सुना है ना वो गलत है, झूठ है। जिन्होंने उनसे तुम्हारे बारे में झूठ बोला है उनकी सच्चाई पर उन्हें ज्यादा यकीन। तुम से कहे ना उसी आदमी को भेजे मुझे समझाने के लिए जिसने मुझ पर इल्जाम लगाए। देखो तुम तौहीन आमेज लहजे में बात मत करो। तौहीन सिर्फ गद्दी पे बैठने वाले लोगों की होती है क्या? जमीन पे बैठने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? अपनी हद से मत पढ़ो बिलाल। मेरी कोई हद नहीं है, मैं बेहद हो गया आपके फकीरों की तरह जो अपने हाल में आकर बेहाल हो जाते हैं, संभाले नहीं जाते किसी से। मेरी हद कलसूम है और मुझे उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो किसी और की मनकूहा। ऐसा आपको लगता है, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे? देखो
मैं तुम्हें प्यार से समझाने आया, इसके बाद तुम्हें किसी और जुबान में समझाया जाएगा। मार देंगे मुझे, मार देंगे, मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो? भगा कर ले जाओगे उसे? उस घर की दीवारें इतनी नीची नहीं है जिन्हें तुम भलांग सको। मैं अंदर नहीं जा सकता, पर हारून तो बाहर आ सकता है ना। चाही मैंने पहले ही कहा था ये राब्ता टूटेगा नहीं, वो आग लगाएगा और ये इसमें जलेगी। तो तुम्हारे नजदीक इस मसले का हल ये है वली कि उस लड़के के घर को आग लगा दी जाए। जी साईं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, और साईं उस लड़के की गुस्ताखी अब तो तौहीन आमेज हद तक आगे बढ़ चुकी है। मैंने बात की थी उससे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है साईं। आज नहीं तो कल बात इस नहज तक पहुंच जाएगी, और कल को ये काम इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि अगर ये बात लोगों के कानों तक पहुंच गई तो सही, आज वो लड़का अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा है, कल कोई बल पड़ेगा तो उसकी खलासत की चींटे आपकी कबा पर पड़ेंगी। सही सही, अगर उस वक्त उस पर हाथ उठाया तो आप पर उंगलियां उठेंगी। बलि हम जो इस मसलत पे बैठे हैं वो उस नशिस्त से बहुत ऊंची है जिस पे तुम बैठे हो। तुम इन दोनों लड़कों की लड़ाई में हमें इसलिए घसीटना चाहते हो ताकि तुम्हारे मुतालबात की फहरिस्त लंबी हो जाए। नहीं नहीं क्यों, बिल्कुल नहीं, किसे तौबा तौबा। बलि इस लड़के की जीत में ही हमारी जीत है। इसकी हार में हमारी फतह। नतीजे दो निकलने चाहिए, या बिलाल हारून का गला दबा दे या हारून बिलाल को गोली मारते हैं। बहुत सिखाया है हमें तुमने, अब हमसे सीखिए, सीखिए कि मोहब्बत कैसे की जाती है। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। सुभानअल्लाह। आज मैंने आप सबको हमारे घर में आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी के बारे में जो बताया है वो कुलसूम ही की दुआओं की बदौलत है। इसलिए आज आप सबके सामने मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं कुलसूम को अपनी बहन का दर्जा दे रही हूँ। तमाम रिश्तेदार, दोस्त और हमारे मुरीद इनको इसी रिश्ते से मानेंगे।
कैसा लग रहा है? क्या मुर्शिद साईं? आज तो तुम्हारी हैसियत ही बदल गई, नया दर्जा मिल गया तुम्हें, बीबी साहिबा ने अपनी बहन बना लिया तुम्हें। ये तो बीबी साहिबा की मोहब्बत है, मैं तो उनकी खादिमा हूं और अच्छी तरह जानती हूं मेरी क्या हैसियत है। जानती हूँ ये ऐलान उन्होंने मेरी सिफारिश पे किया है। क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी कोई हैसियत होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह हैसियत तुम्हारी शख्सियत में भी नजर आए। फासले रखने, घर के मुलाजिम हो, खादिम हो, मुरीदैनियों मुरीदों, हारून, किसी को अपने करीब नहीं आने देना तुमने। वैसे तो ये बात बड़ी सख्ती से मैंने उसको पहले ही दिन मना कर दी थी, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है और इंसान लालच में फिसल जाता है। बीबी साहिबा ने अपना ये दुपट्टा तुम्हें पहनाया है और वो जानता है कि वो जितना भी बहक जाए तो कद्दूस के इस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि बीबी साहिबा का पहनाया हुआ यह दुपट्टा कौन उतार सकता है, सिर्फ हम। तीर ने ना दे रोक वे माही, असी बार चलन नहीं जोगे, असी बार चलन नहीं जोगे, असी पहली खबर कलण नहीं जोगे, तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा पेचिया रे यार हलण ना जोगे, सरदार जो गुजरी नाल असाडे एक कदम। हेलो, कहां तुम सब? कब से कॉल कर रही हूँ, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हम तो मसरूफ हैं लोगों को खाना खिलाने में। तेरे दर्जात की बुलंदी के लिए नियाजें बढ़ रही हैं। लक्ष्मी से चार बिरयानी की देगी आई है और एक देख जर्दे की भी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू वहाँ पे क्या खा रही है। अम्मी से कहना कि मुझे यहाँ से आके ले जाए। वो तुझे क्यों ले जाएंगे कलचू? उनकी तो शान बढ़ गई है मोहल्ले वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उनकी नाक ऊंची हो गई है। बस कुछ ही दिनों में हमारा घर भी दरगाह बन जाएगा और तेरे नाम के तावीज चलना शुरू हो जाएंगे हमारे घर से। निमो, मैं लंबी बात नहीं कर सकती हूँ, पहले एक मुलाजमा बेचारी मेरी वजह से निकाली गई है। वो तो तुझे तब लेने नहीं आए कलचू जब तू उनकी बेटी थी, अब तो तू बीनी बन गई है, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ यहाँ, बहुत बुरा, दम घुट रहा है मेरा, तुझे बता भी नहीं सकती हूँ क्या हो रहा है। तू प्लीज अम्मी को कह मुझे यहाँ से आके ले जाए, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। तेरे पास ना अब एक ही रास्ता है। क्या? भाग जा। भागकर कहाँ जाऊंगी मैं? बिलाल के साथ। इससे बेहतर ये नहीं है मैं अपना गला खुद घोंट लूं। देख कलचू, वो बहुत सीरियस है, वो निकालना चाहता है तुझे यहाँ से। यार बकवास मत कर,
अम्मी से बात करवा मेरी। मैं सच कह रही हूँ यार, मुझे खुदा की कसम, वो रात को मेरे पास आया था, कह रहा था कि हारून भाई को मार देगा ताकि तू आजाद हो जाए। तुम उसको कह दे उसको हारून को मार देने से कुछ नहीं मिलेगा। हारून तो खुद एक कैदी है, पिंजरा तो कोई। कलचू, हेलो, किसका फोन था? निम्मो का फोन था, घर से। तो ये मुलाजमों के फोन से क्यों बात कर रहे हो? निम्मो से कहोगे इस पे बात करें। नहीं मुर्शिद, सही बात हो गई। तुमसे मैंने कहा था कि तुम्हारी हैसियत बदल गई है, इन मुलाजमों से जरा फासला रखा करो। जी मुर्शिद साहब। मुरीदों मुलाजमों में हारून भी शामिल है। उसे मैंने एक खिदमतगार के तौर पर तुम्हारे साथ किया है, छोटी मोटी जरूरियात या कामों की हद तक तो ठीक है बात, लेकिन अगर कोई बड़ी फरमाइश या ख्वाहिश है तो वो मुझसे कहो, मैं पूरा करूंगा। उसे ज्यादा हैसियत दोगी तो वो शौहर बनना शुरू कर देगा तुम्हारा, फिर तंग करेगा, खामखा उसका हाथ तुम्हारे दुपट्टे तक जा पहुंचेगा। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि फिर मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा और तुम्हारे साथ। तुमने उससे फरमाइश की है कि तुम यहां से जाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मैं एक आम सी लड़की हूं और एक आम सी लड़की की तरह ही जिंदगी गुजारना चाहती हूं। जिन दर्जात पर आप मुझे बैठाना चाहते हो मैं उनके काबिल नहीं। ये बात तो तुम मुझसे भी कह सकते थे, फिर उसको शौहर बनाकर मेरे सामने क्यों खड़ा कर दिया तुमने? क्योंकि आपने मुझे यहां बीबी साहिबा की खातिर रोका। अगर मैं ये फरमाइश आपसे खुद करती तो गुस्ताखी होती। तुम यहां से जाना चाहते हो क्योंकि तुम समझती हो कि तुम एक आम सी लड़की हो। जी। फिर सुनो, मैं भी एक आम से आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें यहां से जाने से रोक रहा हूं। मेरी मसनत और तुम्हारा दर्जा दूसरे लोगों के लिए, हम इन पर्दों के बीच आपसे लोगों की तरह रह सकते हैं।
यहां से जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। पहले मैं तुम्हें बीबी साहिबा के बहाने रोक रहा था, आप अपने लिए रोकना। ये क्या कर रही हो तुम? अपने घर जा रही हूं। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं ऐसे ही जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जब तक मुर्शिद साहब की इजाजत नहीं मिलेगी तुम यहां से नहीं जा सकती। मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे यहां से जाने की। देखो जब वक्त आएगा इजाजत मिल जाएगी। वक्त कभी नहीं आएगा, साफ साफ कह दिया उन्होंने मुझसे। हाँ तो ठीक है, इसकी कोई वजह होगी, कोई मसलियत होगी इसके पीछे। क्या वजह, क्या मसलियत? हाँ अब जाए, जाके पूछो उनसे। मैं तौबा तौबा तौबा, मेरी भला क्या औकात कि मैं मुर्शिद सही से कुछ पूछूं? और तुम्हारी नस्ल से भी आज तक किसी ने मुर्शिद से उनके हुक्म की वजह नहीं पूछी। लेकिन आप तो पूछ सकते हैं ना, बीवी हूं मैं आपकी, शोहर है आप, मेरे निकाह हुआ है हमारा। अब जाके उनसे पूछे उन्होंने क्यों रखा है मुझे यहाँ पे। मैंने तो सवाल पूछने की जसारत तब नहीं की जब वो निकाह करवा रहे थे, अब भला कैसे पूछ सकता हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि आपका और मेरा निकाह शरीयत का नहीं है, मुर्शिद साहब का हुक्म है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूं मैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप प्लीज। उनसे पूछे उन्होंने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, किस लिए, उनकी समझ में कुछ क्यों नहीं आता है? देखो कुलसुम, बुजुर्गों की मसलियत वो ही जानते हैं, हमें बीच में सवाल नहीं उठाने चाहिए। तुम्हारे और मेरे निगाह की मसलियत, तुम्हें यहाँ रोकने की मसलियत, तुम पे पाबंदियों की मसलियत, ये सिर्फ मुर्शिद सही जानते हैं। तुम्हारी और मेरी आफियत सिर्फ इसमें है कि हम सर झुका के रहें और बस खामोश रहें। आप खामोश रहें और अपना सर झुका के रखे, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। तुम यहाँ से नहीं जाओगी। नहीं, कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी इसमें। अगर आपको इनका झूठ मसलहत लगता है तो उस तरह की मसलहतें रोज होती है मेरे साथ, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अच्छा क्या होता है जरा मैं भी सुनूं। छोड़े अम्मी, आप बस किसी भी तरह मुझे यहां से ले जाएं। एक मिनट और नहीं रुक सकती मैं यहां पे। लेकिन आप ये बात बीबी साहिबा से खुद मत कीजिएगा। बाबा से कहें के मुर्शिद साईं से आके मिले, उनसे इजाजत लें कि वो मुझे यहाँ से जाने दें। अम्मी मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। क्या हो गया, पागल हो गई है? थोड़ा हौसला कर, शुरू में सब लड़कियों को मसाइल होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। और फिर तुझे जो मकाम मिला है, जो दर्जा मिला है, उसके बारे में सोच। कोई मुकाम नहीं मिला है मुझे, जलील हो रही हूँ यहाँ पे, बेइज्जत हो रही हूँ। तो तू वहां आकर हमें भी इज्जत करना चाहती है? कहती है निमो, आप लोगों ने तो मेरा मजार ही बना लिया, मुझे यहाँ दफना के अपनी गर्दनें ऊंची कर रहे हैं। वो लड़का रोज हमारे घर की छत फलांग रहा है, मजनू बनकर गली में तेरा नाम लेता फिरता है, बदनाम कर रहा है तुझे, लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऐसे में तुझे वहां कैसे ले जा सकती हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? सारी कहानी तो आपको पता है, अब फिर भी मेरी गर्दन क्यों घोड़ना चाह रही है? यही बात करने तो आई बीबी साहिबा से कि उस लड़के का क्या करना है। देख
तुझे तो तेरा मकाम मिल गया, उसको भी तो कहीं पहुंचाना है या नहीं? नहीं, कोई किसी मकाम पे नहीं पहुंचा, हम दोनों ही रुल गए हैं। कोई दम दरूद, कोई वजीफा कुछ बता दे इस लड़के से जान छुड़ाने की। उसकी माँ इतनी परेशान है, कहीं कुछ कर कर आ गया तो हम बदनाम हो जाएंगे। आपको उसकी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। अल्लाह, उसका मसला हल होगा तो तेरा होगा ना। देख मेरी बात सुन, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर वो लड़का तेरे इस पाक दुपट्टे को छू गया तो उसका क्या हिसाब देंगे हम? वो तो है ही मरदूद, तू घर के गुनाह हो जाएगी। नहीं चाहिए मुझे ये दुपट्टा। बस देख लिया वो मानी जान, मैंने कहा था ना इसकी हालत ही ऐसी नहीं है कि इससे मिला जाए। ये लो। कहा ना नहीं चाहिए। ये तुझे होश कर, क्यों हम सबको बर्बाद करने पे तुली है? बर्बाद तो मैं हो रही हूँ, हम लोगों को नजर क्यों नहीं आता है? इस दुपट्टे की फिक्र है, ये ज्यादा मुकद्दस है आप लोगों के लिए। मेरी मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये आदमी जो मेरा सर नंगा नहीं देख सकता, कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि मेरे कमरे में कोई गैर आदमी आया, फिर मैं किसी के कमरे में जाऊं? माहौल वाला क्या कह रही है? मुर्शिदा के बारे में कह रही है, वो खलबत में इससे वजीफे करवाते हैं, उसी से भाग रही है। अल्लाह तौबा, नहीं अभी वो वजीफे नहीं होते। पागल हो गई है तू? माहौल वाला कुआं, वो भी आता नहीं, नहीं वजीफे नहीं होते। नहीं चुप कर जा, कसम वजीफे नहीं। जानी जान आप निकले यहाँ से, आपकी वजह से ये और खराब हो रही है। शैतान गालिब आ रहे हैं इस पे। आप चलिए। हमें 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 झूठ बोल रहे हैं वजीफे नहीं होते। चुप कर जा, झूठ बोल रहे हैं। चुप कर, मुझे ऐसे नहीं कहते। तोबा कर, वजीफे नहीं होते, नहीं करनी। इसे तलाश कर रहे थे। अम्मी ला दे मुझे। क्या करोगे इससे? अम्मी दीजिए मुझे ये। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या करोगे इससे? डाके डालोगे, भत्ता लोगे, बंदे मारोगे, क्या करोगे? मैं कुछ भी करूँ, आप दीजिए मुझे ये। कुछ तो मैं भी कर सकती हूँ इससे। अम्मी मुझे दीजिए। एक गोली मेरी, बाकी तुम्हारी, फिर जो दिल चाहे कर लेना इससे। तैयारी हो गई कुलसुम? जी बीबी साहिबा, आपने जैसे ही कहा मैं वैसे ही तैयार हो गई। आई एम सॉरी, बहुत अचानक प्लान बना है। बस घंटा पहले ही बड़ी बीबी का फोन आया था और कहने लगी कि फौरन आ जाओ। मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले चलती हूँ, अकेले आ रहे कि क्या करोगे? और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जरूरत की हर चीज वहां मिल जाएगी। तुम चल के गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। जी बीबी साहिबा। ये सामान गाड़ी में रखो। लेके नहीं जाओगी? खुश रहो। तुम जल्दी आ जाना मेरे पीर, तुम्हारे बगैर दिन नहीं लगेगा। और अगर नहीं आए तो मैं ही लौट के आ जाऊंगी। मैं भी कभी इस घर में अकेला नहीं रहा हूं, देखिए कितने दिन रह पाता। चलो कुछ सुन। यहाँ क्यों आ रहे हैं? बीबी साहब, वो मुर्शिद साहब ने कुछ काम बताया है, बस थोड़ा सा सामान उठाना है इसलिए। तो पहले कर लेते ना काम, अब हमें लेकर तुम इन बाजारों और गलियों में हमारा वक्त जाया कराओगे? नहीं, वो ना मुर्शिद साहब ने अचानक से हुक्म दिया, इसलिए यहाँ आना पड़ा।
लेकिन अभी फौरन से फारिग हो जाएंगे। अच्छा जाओ जल्दी से वापस आओ, हमें जाना है। जी जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। कुछ चल, मैं तुझे लेने आया। अरे कुछ चल मेरे साथ। हाथ छोड़ बिलाल, क्या कर रहे हो? कुछ क्या सोच रही है? यही वक्त अपने गुलामी से आजाद। कुछ चल मेरे साथ, कुछ चल मेरे साथ। बीबी साहिबा, मेरी उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, को मैं यहीं से लेके जाऊंगा। छोड़ो, चल मेरे साथ। हुक्म है, इसको छोड़ो। किसी का हुक्म नहीं मानूंगा मैं, इसको लेके जाऊंगा। कुछ चल मेरे साथ, निकल। तुम बिलाल छोड़ो, बिलाल चल। तुझे ना इज्जत रास ही नहीं है, है ना? आप परेशान मत हो सही, बीबी साहब बिल्कुल महफूज रहेंगी सही। मेरे बंदे छुपे बैठे होंगे वहां, जैसे ही वो हारून पे गोली चलाएगा झपट कर पकड़ लेंगे सही उसे। दिल की बात नाजुक है बीबी साहिबा, वो तो किसी परिंदे को भी सुबह होते नहीं देख सकते। अभी फैसला आप पर है सही, आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे या उनके दिल का? थोड़ा सा पी ले, इसमें हल्दी मिली हुई है, चोटों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा ना जहर मिला के ले आओ, मेरा इलाज ना उससे होगा। इसमें आपका क्या कसूर है? जहर तो मुझे पीना चाहिए, सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है आपके साथ। मेरा क्या है, ये चोटें हैं ना दो चार दिन में भर जाएंगी, लेकिन जो तौहीन बीबी साहिबा की हुई है ना उसके बाद तो हमें जीने का हक ही नहीं है। बीबी साहिबा की तौहीन ना आपने की है और ना मैंने, बल्कि उनके अपने लोगों ने की है। बिलाल को ताकत उन्होंने ही दी है, वरना उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मुर्शिद साईं की गाड़ी का दरवाजा खोलकर बीबी साहिबा के सामने सब तमाशा करता। सही कह रही, उसमें इतनी जरूरत नहीं है, अगर अगर बीबी साहिबा की बहन उसका साथ ना देती तो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातु, बिलाल की मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ। बिलाल ठीक है? मैं खुद मिलना चाहता हूँ उससे। मैं किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा चलिए, जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। हाँ वो कल कुछ लोग उसे मिलने आएंगे, उन्हें आपकी इजाजत की परवाह नहीं होगी, सीधे अंदर चले जाएंगे। मैं चलता। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, तो बात मैं तो हकीकत से आगाह कर रहा हूं आपको, जो कभी हरकत आपके बरखुरदार ने की है उसके अगर भिनक भी हमारे मुरीदीन के कान में पड़ गई ना, तो तौहीन बीबी साहिबा की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आखिर आप लोग मेरे बेटे से चाहते क्या है? हम उसे मस्तक पे बिठाना चाहते हैं दरबारे आलिया की। अरे मोहतरमा, आपके लाल से यही तो पूछने आए हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। देखिए वो पागल है, नादान है, ना समझ है। हमने भी
नादानी समझ के माफ किया उसे, वरना जो हरकत उसने की है आपको अंदाजा ही है क्या सजा मिलती उसे। देखिए मोहतरमा, हमने आपको थाने और कचहरी से बचा कर रखा है दूर, पूछे क्यों? इसलिए क्या आप भी हमारी मुरीदनी हैं? देखिए बिलाल को कोई वरगला रहा है, किसी की शय पर कर रहा है वो ये सब कुछ, वरना वो इतना बहादुर नहीं है। मैं माँ हूं उसकी, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारा भी यही ख्याल, इसीलिए तो उसे समझाने आए हैं कि बेटा आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अब आप चिटखनी खोलिए तो। कैसी तबीयत है? ठीक है खलीफा साहब। कहाँ कहाँ चोट लगी? जैसी इसकी हालत है आप खुद देख सकते हैं वली मोहम्मद शाह जी। आप हमें कुछ तवाज़ो करेंगी? तब तक मैं से दम कर दो। क्या लेंगे आप? कुछ भी, बस एक प्याली चाय। तो वो नन्ही सी छुरी लेकर उस सांड का शिकार करने निकले थे। अम्मी ने मेरी पिस्टल ले ली थी, मैं क्या करता? पहले पेट चीरते ना उस हारून का, उसके दिल का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? उससे नहीं रहा गया तो फिर रहो इस तरह। खलीफा साहब ऐसे मत बोले प्लीज। बिल्लू, उस लड़की को उस घर से निकालना मेरे लिए ऐसे, लेकिन तुम करोगे क्या उसे? अरे वो तो हारून की बीवी है, हारून को जिंदगी से आजाद करोगे तो उस लड़की को आजादी मिलेगी, फिर तुम निकाह कर लेना उससे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारा निकाह। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहानी सुना रही थी मुझे। कहानी नहीं तो और क्या है? हजरत पीर हबीबुल्लाह गद्दी नशीन है, बादशाह है, मालिक है, कोई आम बजावर या मुरीद नहीं। तो वो वहां बैठकर कहानियां क्यों सुना रही है? कल निम्मो को, आज मुझे। ज्यादा वजीफों की वजह से ऐसा हो जाता है, मेरे साथ खुद गुजरा है। पता नहीं इंसान क्या उलफुल बकने लगता है, मैं खुद इतनी गुस्से वाली चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे एक बात बताओ, अगर पीर साईं के दिल में ऐसी बात होती तो वो कुलसूम का निकाह अपने साथ ना पढ़ाती? हारून के साथ क्यों पढ़ाते जबकि वो दुल्हन बनी उनके सामने बैठी थी? तुम ये सब कुछ मुझे नहीं बता रही, खुद को समझा रही, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। असकर तो ताहिरा, तुमने खुद सुनी है उसकी कहानी? मैंने कहा ना वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, बिल्कुल बकवास कर रही है। सच और झूठ के लफ्ज एक जैसे होते हैं ताहिरा, फर्क सिर्फ लहजे का होता है। तुमने लफ्ज सुने, लहजा नहीं सुना, तकलीफ नहीं सुनी उसकी। वरना कहानियां सुनाते हुए कौन बिलक बिलक कर रोता है? क्या बात है भाभी? रामिया, ये भी वही बात कर रही है जो निम्मो कर रही है। या अल्लाह उठा ले तू इस लड़की को, उठा ले तू, इसने तो हमारी इज्जत उछाल दी है। नहीं राबिया, कुलसूम ने खुद बात की इससे। भाभी जाएं, जाएं जाके अपनी बेटी का मुंह बंद करवाएं, खुदा के लिए उसका मुंह बंद करवाएं, वरना वो तो रोज किसी ना किसी को फोन करती रहेगी। इस दुनिया में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुंह बंद करवाने से कुछ नहीं होगा ताहिरा, ताहिरा खुदा के वास्ते जाकर वहां से अपनी बच्ची को निकाल लो,
वरना वो कुछ कर बैठेगी अपने साथ। ऐसी बातें करने से पहले ही वो मर जाती तो अच्छा था। पर वैसे आप हमारे मामले में क्यों बोल रही हैं? ये हमारे घर का मामला है। आप बराए मेहरबानी जाएं। ये हमारा मसला है, हम खुद ही संभाल लेंगे। राबिया तुम जाओ यहाँ से। आप जाएं यहाँ से। राबिया तुम जाओ यहाँ से, मुझे इनसे बात करनी है। आप क्या बात करेंगी इनसे? ये तो पहले ही हमारे बुजुर्गों के खिलाफ है। मैंने आपसे कहा ना, आप बराए मेहरबानी चली जाएं यहाँ से और कभी दोबारा यहाँ का रुख ना करें। खुदा का वास्ते चली जाएं आप यहाँ से। नहीं सुननी हमें आपकी ये सच्ची झूठी कहानी। सच और झूठ के बीच कहीं तुम्हारी अपनी बेटी भी है। तुम्हें खुद नहीं पता तुम किसे बचाना चाहती हो। कुलसुम, बीबी साहिबा, क्या तमाशा मचाया हुआ है तुमने? तुम लोग जाओ यहां से। जी बीबी साहिबा। तुम्हें घर में इससे ज्यादा गलीज जगह नहीं मिली सोने को? ढूंढ लेती, शायद इससे बेहतर नींद आ जाती तुम्हें। काफी अरसे से नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, इसलिए यहाँ पे घर पड़ी। तुम्हें मुझे पहले ही दिन से तुम्हारी औकात पे रखना चाहिए था। बिला वजह मकाम और मकसद दे दिया। चादर पहना दी, अपने बराबर अपनी बहन बना लिया। बड़ी बीबी सच कहती थी कि तुम एक आम सी लड़की को पीर तमरेश शाह की बेटियों के बराबर रखना चाहती हो। तुम इसे चादर तो पहना दोगी, लेकिन इसकी रगों में तो एक आम दुकानदार की बेटी का खून बह रहा है। असलियत जरूर दिखाएगा, और दिखा दी तुमने अपनी असलियत। नहीं बीबी साहिबा, मैं अपनी असलियत छुपाते हुए तो यहां तक पहुंची। आप मुझे यहां से निकाल दें, किसी भी तरह मुझे यहां से भिजवा दें। अगर मैं यहां रहूंगी तो ये सब कुछ होता रहेगा। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी वजह से मेरा घर, मेरा रिश्ता और मेरे होने वाले बच्चे को कितना खतरा है। बीबी साहिबा, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके घर को बचाने के लिए, आपके बच्चे को बचाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि वो चादर दागदार हो जाए जो बहन के नाम पर आपने मुझ पर डाली थी। उसे बचाते बचाते थक गई हूँ और हिम्मत नहीं है मुझ में। अच्छा, तो ये सब बिलाल की मोहब्बत में किया जा रहा है? हाँ, तुम उसके लिए अपने जज्बात के सैलाब को कंट्रोल नहीं कर सकती। भागना चाहती हो उसके साथ? काश मैं आपको बता सकती कौन सा सैलाब है जिसके आगे मैं बेबस खड़ी हूं। अच्छा, तो कुलसुम, तुम मुझे अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। हाँ, अब किस किस से झूठ बोलूं? अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बीबी, बस एक सच सुनना होगा आपको। हफ्ते और इतवार के निस्फ शब्द में फिलहाल को हारून तक रसाई दी जाएगी, और इस वारदात से पहले कुलसुम बीबी को वहां से निकालकर गाड़ी में महफूज बिठा लिया जाएगा। फिर उन दोनों को हमारे काबिले एतबार मुरीद की निगरानी में हमारे ही मुंतखब करदा
महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। जहां तुम इस बात का इंतजार करेंगे कि मैं खुद आकर उनका निकाह पढ़ाऊंगा, लेकिन सही इस अरसे में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि उन दोनों के माँ बहन कोई मेल जोल ना हो। फिर अगले दिन बिलाल को भी हारून के पास भेज दिया जाएगा। उसकी लाश किसी नामालूम मकाम से मिलेगी और इन दोनों कत्लों का पर्चा कुलसुम बीबी के नाम काटा जाएगा। फिर वो तो बेदस्तूपा हो जाएगी सही और किसी नामालूम मकाम पर सारी जिंदगी आपके दस्ते नगर रहेगी। मोहब्बत करना कोई आपसे सीखे सही। कदमों में बैठने आई आप कहाँ जा रही हैं? कुछ पूछ रहा हूं आपसे। बाबा के पास दरगाह पे इस वक्त क्यों अचानक? क्योंकि मुझे भी अचानक पता चला कि किसी ने थूक दिया उनकी दस्तार पे। पूछने जा रही हूं कि उसे किस तरह से साफ करूं। किसने की है ये घटिया हरकत? कौन कर सकता है ये हरकत? किस में हो सकती है इतनी जुर्रत हबीबुल्ला सिवाय तुम्हारे? मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप जैसी पर्देदार बीबियां उस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। फिर उस घटिया लड़की ने कोई ऐसी वैसी बात कह दी होगी आपसे। मत कहो उसे घटिया, लेकिन ये तुम सही कह रहे हो कि मैं उसके जैसे कभी नहीं हो सकती। वो एक आम मुरीद की बेटी अपनी माँ बाप की इज्जत की खातिर तुम्हारे आगे खड़ी हो सकती है, और मैं एक मुर्शिद की बेटी, एक पीरनी होकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ने के बजाय अपने बाप की कब्र पे जा रही हूं रोने के लिए। मुझे लगता है फिर कोई वाल फॉल बकवास की है उसने आपसे। अब आप नहीं, वो जाएगी दरगाह। सुना दो फैसला, तुम तो मालिक हो। जिस जगह पे मेरे बाप दादा खुदा को ढूंढने जाते थे, तुमने तो उसे अपनी खुदाई बना ली है। तुम्हें कौन रोक सकता है? हबीबुल्ला तुम फिरौन हो, आज के दिन के फिरौन। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आइए इधर बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्या बात कर सकती हूँ मैं ऐसे इंसान से जिसकी तस्बीह हविस की जंजीर बन के लोगों को बांध देती है? शर्माती है, घिन आती है। तोहीन कर रही हैं आप मेरी, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। खुलकर बताइए क्या कहा है उसने आपसे? क्या खुलकर बताऊं? मुझे शर्म आती है वो सब कुछ कहते हुए जो तुम्हें करते हुए नहीं आई। क्या करता रहा मैं? आहिस्ता बोलो हबीबुल्ला। अगर मैं एक बीवी के दर्द को दबा सकती हूँ और उसको चीखने से रोक सकती हूँ इस मसनद की इज्जत की खातिर, तो तुम भी अपने जुर्म की खातिर चुप रहो, मत चीखो। जुर्म? कौन सा जुर्म? बुलाए उसे, बुलाए, मैं भी पूछूं उससे। कौन सी कहानी सुनाती रही है वो आपको? देखता हूं कैसे मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती है वो आपसे। उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के जो झूठ बोला हबीबुल्ला,
तुम उसे सच मान गए, इसीलिए तुम पकड़े गए। पकड़ा क्या कहना चाह रही हैं आप? इसे अकेले में सुनना, क्योंकि अभी बोला मुझ में ये सब कुछ दोबारा सुनने की सकत नहीं है। बस इतना सांस ले रहा था, ऐसे कलक उठ रही थी तुम्हारा। इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने मुझे, क्यों कर रही थी तुम ऐसा? क्यों? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। तुम ये बात जानती थी ना, तो फिर क्यों तमाशा लगा रही थी तुम मेरा? रही हो इतना तो मुझे माफ कर दे। उस दाखिया की है ना, मैंने आपकी शान ये क्या हाल कर लिया तुमने? खिदमत कर रहे, खिदमत नहीं कर रहे थे तुम मेरे, छुरियां चला रही थी मेरे दिल पे। तुम्हें पता जब तुम्हारे हाथों से साफ किए हुए फर्श पे कुछ चलता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसके पैर तोड़ दूं। मैंने ना समझी, मैं आपको बहुत दिल दुख है, मुझे माफ कर। तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरी मोहब्बत के काबिल हो। अगर तुम पहले ही दिन कट के मेरी गोद में गिर जाती तो तुम महबूबा नहीं, ये काम मुरीद नहीं लगती। लेकिन एक शिकवा मुझे भी है आपसे, अगर आपको मुझसे इतनी मोहब्बत थी तो पहले दिन आपने मुझसे निकाह क्यों नहीं किया? क्यों उस हारून के साथ बांध दिया मुझे? मैं किस वजह से उसको इतनी देर तक बर्दाश्त करती रही? क्या करता मेरी जान, मजबूरी में पढ़वाना पड़ गया तुम्हारा निकाह सारून के साथ। नहीं चाहता था मैं, लेकिन क्या करता? अगर खुद से तुम्हारा निकाह पढ़वा लेता तो वो अमानतन होता। और फिर बीबी साहिबा तुम पर सामान कर बैठ जाती, फिर वो इस चक्कर में लग जाती कि तुम्हें यहां से कैसे निकालना है, कैसे लाता मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में। अब क्या होगा? बस कल तक का इंतजार, कल बीबी साहिबा दरगाह चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खलीफा साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो क्या हाल है बच्चा? जी बिल्कुल तैयार हूँ, बस वो मगर लेकिन क्या? जिस दोस्त से पिस्टल लगा था वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। उसकी तो फिक्र नहीं करो है, वो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, बस तुम अपने हौसले को बुलंद रखो है। आपकी दुआएं चाहिए।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं कब तक निकलूं? बस तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर में निकल आओ, और बंगले का जो पिछला दरवाजा है ना, वहाँ तुम्हें हुजूर बख्श मिलेगा, वो सब कुछ समझा देगा तुम्हें। बस हौसले को बुलंद रखना है, है मेरे बच्चा। मैं निकलता हूँ खलीफा साहब, खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। अम्मी दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी मैं अपनी जान दे दूंगा दरवाजा नहीं खोला। अम्मी दरवाजा, किसी और की जान लेने से बेहतर है कि तुम अपनी जान ले लो। ठीक है ना खोले आज, देखिए मैं करता क्या हूँ, सब बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। दरवाजा खोले, मुझे जाना है वहां पे, दरवाजा खोले। अम्मी सब बर्बाद कर दूंगा, मैं अपना जान से मार डालूंगा, दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी मुझे जाने दे, अम्मी वो मर रही है, उसको जरूरत है मेरी। अम्मी हारून, शैतानी कुवतें बहुत ताकतवर होती चली जा रही हैं। देख रहे हो ना, जोन से एक नया हमला और हमें इस बात का खौफ है कि कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस दायरे से बाहर निकल जाओ। बली घबराओ नहीं बच्चा, कोई लंबी तस्बीह या कोई लंबा वजीफा नहीं, बड़ा आसान तरीका है कार। तुम्हें बस तीन अल्फाज की अदायगी करनी होगी और फिर तुम निकल जाओगे इन तागूती कुवतों के असर से, और इसके लिए भी आसानी हो जाएगी, है ना? सोच क्या रहे हो, बस कह दो कि कुलसुम मैंने तुम्हें तलाक दी। हाँ चलो बोल। हारून, हारून तलाक दो कुलसुम को, होश में तो हो? हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, तुम्हारे मुर्शिद पीर हबीबुल्लाह शाह। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है मुर्शिद साईं। निकल आओ, निकल आओ, बाहर निकल आओ, शैतानी असर से बाहर निकल आओ। बोलो बोलो, तलाक दे दो इसे। अरे दे दो तलाक। अरे क्यों अपनी दुनिया आखिरत खराब कर रहे हो? पीर का हुक्म खुदा का हुक्म है। अरे क्या है को अजाब क्यों दे रहे हो? दे तो तलाक दो, बोलो बोलो बोलो। नहीं जा रहा मेरे कान में, बोलो मेरे कान में, बोलो। नहीं खलीफा साहब। क्या कह रहे हो, ऊंचा बोलो। तुम कुलसुम को तलाक दे रहे हो? हाँ बोलो। मैंने कहा नहीं खलीफा साहब। तलाक दो इसे, तलाक दे।
कहो कि कल सुबह मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। जहन्नुम की आग में जलेगा तू। सही सही कुछ बोलना चाह रहा है? आप गला छोड़ेंगे तो बोलेगा। मैं कुलसुम को तलाक क्यों दूं? इसलिए कि मैं निकाह करना चाहता हूं इससे। मैं प्यार करता हूं इससे, आशिक हूं इस पर, इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तू इसे मेरे कदमों में रखता है, मैं सब कुछ तेरे कदमों में रख दूंगा, सपने छावर कर दूंगा तुझ पे, दरगाह का मालिक बना दूंगा तुझे, दरगाह का मालिक, सारे मुरीद तेरी कदम बूसे करेंगे, तब जाकर मुझ तक पहुंचेंगे। कुलसुम मुझे दे दे। नहीं, मुझे मेरी हैसियत में ना दे मुर्शिद साई। निकल जा यहां से, हम तुझे हमेशा के लिए इस बरकत से महरूम कर देंगे। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे तो महल को लेके जाऊंगा। चला मुझे जा सकते हैं, मैं इसको लेके जाऊं। चला अली, तुम क्या तमाशा देख रहे हो? धक्का देकर निकालो इसे। मुझे तो मुझे कुसुम देने में बताओ। सही हो आ गया, पीछे ही मिला लेते आ गया। आपकी तस्दील का बदला लेने वाला। चलो भाई, मुश्किल को आसान करो, तुम ले जाओ अपनी मोहब्बत को। हां ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अपनी मुश्किल आसान करने आया हूं खलीफा साहब। अभी तो दीवार तो ये खड़ी है। दीवार ये खड़ी है, मेरे सामने खड़ी है दीवार। कुएं में क्यों छलांग लगा रहे हो बदबख्त आदमी? तुम्हारी नस्लें भुगतेगी है। नस्ल का डर उसको होता है खलीफा साहब जिसको जिंदा रहना होता है। मैं यहां खुदकुशी करने आया हूं। ये सबक पढ़ाती रही तुम्हें? देखो देखो, अगर अगर बाहर किसी मुरीद को ये पता चला ना कि तुमने पैसा पे पिस्तौल तानी हुई है, तो तुम्हारी मां को घर समेत आग लगा। पहले लगा चुके। मैं, मेरी मां और मेरा घर सब चल चुका है। मैं आज यहां कुछ को आजाद कराना है आग से जिससे वो जल रही है। अच्छा तुम्हें कुलसुम चाहिए, कुलसुम चाहिए। तुम ले जाओ। तुमने एक गोली जाया करनी थी, मैं टुकड़े करके इस टुंडे को दबा दूंगा जमीन में। तुम्हें कुलसुम चाहिए ना, बस तुम ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। कुलसुम यहां से कहीं नहीं जाएगी, जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, कुलसुम मेरे साथ जाएगी। सही लड़की डायन है, आपका मकाम मर्तबा इज्जत सब कुछ खा चुकी है, आपकी जान लेने की सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही, तुम जाना नहीं इसको। मैंने कहा ना, कुलसुम यहां से कहीं। मैंने ठीक किया ना बाबा? सही, सवाल उन हजारों मासूम लोगों की अकीदत का था जो अपने दुख दर्द परेशानियां
सब लेकर यहाँ आते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि इस मसनद पे बैठा शख्स अपने आप को खातून की जगह बादशाह समझने लगे। सवाल है तो सिर्फ मेरे रिश्ते का होता। तो मैं उसकी जगह अपनी जान ले लेती। मैंने ठीक किया ना बाबा, मैंने ठीक किया ना। यानी तुम अपने पूरे होश हवास के साथ ये इकरार कर रहे हो कि तुमने सैयद हबीबुल्लाह शाह का कत्ल किया? जी मजिस्ट्रेट साहब। क्यों? एतकाद हर मुरीद के ईमान का हिस्सा होता है। कोई भी मुरीद अपने मुर्शिद साहब की हुक्म अदली नहीं कर सकता, ये उनका हुक्म था, मैं मना नहीं कर सकता था। है? यार कलचू, मैं सोचती हूं ना तो कांप जाती हूं। तू कैसे खड़ी होगी उस आदमी के सामने जिसकी अकीदत और शख्सियत के सामने औरतें पिच जाया करती थीं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी मुरीदनियों को उसके लिए आहें भरते हुए सुना है। तुझसे किस ताकत ने इनकार करवाया? लोगों ने बहुत दूर से देखा था उसे, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा। तुझे पता है निम्मू, ये जो पीर हबीबुल्लाह शाह जैसे लोग होते हैं, बहुत छोटे, कमजोर और खोखले लोग होते हैं। इनकी ताकत तो वो जुब्बा और दस्तार होता जो इन्हें वरासत में मिला होता। तुझे डर नहीं लगता था उससे? हाँ, बहुत डर लगता था निमो। लेकिन मैं उन बुजुर्गों के पीछे जाकर छुप जाया करती थी जिनकी मस्तद पे वो बैठा हुआ था। कभी रूमी का हाथ थाम लेती थी, कभी जामी का दामन, तो कभी बाबा बुल्ले शाह की पुश्त पे जाके छुप जाती थी। बहुत से कोने खुद रहे थे मेरे पास उससे बचने के लिए। तो यूं बोलना कि खाला महर निगार की बुक शेल्फ ने बचाया है तुझे। और उसके बेटे का तो कोई कमाल ही नहीं। इश्क थे आतिश, इतनी कमीनी है कलचू तू, मुझे लगा तू मेरे लिए लड़ती रही। शक्ल देखी है तूने अपनी, मैं तेरी मोहब्बत के लिए लड़ूंगी पागल। बात सुन, ये मेरी मोहब्बत थी जिसने तेरी इतनी मार्केटिंग की, वरना कोई देखे भी ना तेरी तरफ। आहिस्ता बात कर, कोई सुन लेगा तो। ऐसे तो मान ना मान, खुदा की कसम मेरी मोहब्बत ने तुझे खूबसूरत बना दिया। बिल्लू, तू इतनी रात को इस वक्त मुझे ये बताने आया? सो जा जाके,
नींद नहीं आ रही तेरे बगैर। तो मैं क्या करूं? चल मेरे साथ। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं मकलावे पे आई हूँ यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू चल रही है मेरे साथ। बिलाल भाई ये क्या बात हुई, एक ही रात के लिए तो आई है ये हमारे पास। यार कल तो आई है तुम्हारे पास, आज फिर आ गई है। हाँ तो कल फिर आ जाएगी ना, आप तसल्ली रखें। कल चू मुझे कुछ नहीं पता, तू चल रही है साथ, फिर मैं नीचे आऊँ। बिलाल ऐसे मत करना, अम्मी ने देख लिया ना तो जरा सा भी लिहाज नहीं करेंगी वो तेरा। तो ये है ना, बोल देगी रात को अपने शौहर के साथ भाग गई है ना। चल आ जा मेरे साथ। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तेरे साथ। तो हाँ हाँ ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत ढीठ है, तू जा। चल हाथ दे, जा ना। आ जा। नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा।